गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनुभव शर्मा और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बाहर मौसम हो रखा है काफ़ी औसम और आज हम चल रहे हैं अपने गांव के दोस्तों के साथ घूमने। Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play. So guys, ये है back side of Red Fort, आप देख सकते हैं, जिसको हिंदी में लाल किला नाम से भी जानते हैं। पूरे रेड मार्बल और ऊपर संगमरमर का गुंबद बना हुआ है। तो ये पीछे का साइड है गाइज लाल किला का, तो आप देख सकते हैं ये इसमें पानी भरा जाता था। तो अमन, क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, मुगल काल में इसमें नहर में पानी रहता था और इस पानी में तरह तरह के जीव जंतु भी रहते थे, मगरमच्छ खासकर इसमें पाला जाता था ताकि बाहरी सिक्योरिटी पर्पस बाहरी आक्रंताओं से बचा जा सके। और ऊपर जो भी गुंबद जैसा हेलमेट जैसा दिख रहा है उसमें तोप का मुंह रहता था, तोप ये रहता जो था, है गाइस आप ये देख सकते हैं बीच में जो तीसरा है वो मुकुट जैसा है। हाँ, उसमें तो गाइस गर्मी बहुत हो रही है बारिश के बाद भी दिख रहा होगा यहाँ पे एक इसमें है बीच वाले में, ये जहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फिर जितना मुकुट वाले में उसमें और इधर बाहर पूरा मैदान रहता था ताकि जो एनिमी अटैक हो तो लाइन क्लियर रहे, पूरा तोप चला, बचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसी प्रकार से अंतिम शासक इसका कौन था अमन जी? अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे जिनको अंग्रेजों ने तरीपार कर दिया था रंगून में। तो गाइस अभी हम आगे से एंट्री लेंगे, बैक साइड से हम लोग आए थे अभी, तो अभी हमने एंट्री नहीं लिया, आप देख सकते हैं। और ये इसकी गहराई लगभग 25-30 फुट होगी और इधर आपको दूर वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो गुम्बद गाइज आपको दिख रहा है वो है जामा मस्जिद और यहाँ पे आगे एक रेड मंदिर भी है, तो उसके बारे में अमन कुछ इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएगा। पहले एक बार ये आपको मंदिर दिखा दें हम, फिर इन करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू डू सम डिफरेंट वीडियो जिसमें थोड़ी अलग हो। तो गाइज जैसे ही आप ये आकर्षण का केंद्र है रेड फोर्ट, तो वैसे ही आपको सामने नजर आएगा मंदिर, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जैन धर्म का मंदिर है। तो वो जैन धर्म का मंदिर है, तो इसका कहानी जो हम चलते चलते अमन से सुनते हैं। तो अमन, क्या स्टोरी है? जहिया अथी रहे ना औरंगजेब में शासन जिया करते रहे, औरंगजेब बहुत लाखों मंदिर तोड़लक है, तो मंदिर के तोड़ के मूर्ति सब के ना मस्जिद के नीचे रख ले तुरे लाश से। क्वेश्चन अब तोड़वल का लाल किला के आगे मंदिर रहे कला नहीं तोड़वल का, एक बार की तो एक घंटा यहाँ बजल तो दिक्कत घंटा बजबे देखे तो कोई नहीं रहे, डबल एक सिपाही कोई नहीं है, कोई कैसे नहीं है, घंटा के आवाज सुनाई दी फिर तीन देर बाद बजल डबल देखल सारा कोई नहीं है, अपने गल देखे घंटी अपने मने बज रहा है आ कोई है पगला गए, तब एक लगल दोसर धर्म में भी कुछ भगवान के अंश है। तो गाइस इनके कहने का मतलब था कि मंदिर के छोड़ दल कर मंदिर के डोनेशन आर भी खूब दे रहा है। ओके, तो अभी मैं आपको हिंदी में शॉर्ट में समझाता हूँ। तो जब लाखों मंदिर टूटे तो एक ये मंदिर को क्यों छोड़ा गया उसका कहानी ये है कि लाल किला के सामने होने के बाद भी इसमें अपने आप घंटी बजी और राजा को लगा कि कौन बजा रहा है, जाके देखो, जब नींद खराब हुई तो। और राजा का नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने लाखों मंदिर तोड़े, उसको मस्जिद के अंदर दफनाया जैसा कि आप सब जानते हैं, बट ये नहीं टूटा क्योंकि उनको जब घंटी बजी और देखा कि कोई नहीं है तो उनको ये एहसास हो गया कि हर मन में है जय श्री राम। तो गाइस बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं फ्रंट गेट पे और आपको अभी दिखेगा इंडियन नेशनल फ्लैग। तो गाइस फाइनली ये है फ्रंट साइड और ये है मेन एंट्रेंस ऑफ लाल किला, लाहौरी गेट हम लोग आ गए हैं। तो अभी हम लोग ने टिकट ऑनलाइन, जैसे ही गूगल पे लिखोगे रेड फोर्ट ऑनलाइन टिकट वो पोर्टल आ जाएगा, 35 ईच का, 35 ईच टिकट का कीमत है।
और लेट्स सी कि क्या है अंदर, चलते हैं। वैसे तो मैं आ रखा हूँ बट इस बार ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये है गाइज एंट्री लाल किला के लिए। क्या दरवाजा का नाम हुआ मंजी? लाहौरी गेट। तो ये है लाहौरी गेट, यहाँ से राजा निकल लाहौर। मामा अच्छी जगह लाहौर लाहौर। यहाँ पे दरबान रहते थे। गेट की मोटाई आप देखिएगा काफी हेवी है। द गेट्स आर बिल्ड बाय अंग्रेज। गेट बना रखो। हाँ, यही सब बनाए थे गेट। अब सी दिस गाइस, ये है मेन एंट्रेंस। सैल्यूट टू नेशनल फ्लैग। इसको बंद कर दिया गया, पहले ये ओपन था, ये चीज खुला है। दर्शन कराई। यस, यहाँ से आपको आगे राजा जो है आके दर्शन करते थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं एंड तक पूरा आपको दिखता है। ये आपको मार्केट वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर जब तक। यस, जो सिंहासन है राजा का वही स्ट्रेट है। अभी जो हम देख रहे हैं ये सारा है दीवाने आम। और आगे जो खास लोग होते थे वो रहते थे जो है दीवाने खास। तो अभी ये पूरा एरिया ये है दीवाने खास, सॉरी दीवाने आम। इससे आगे जो दरबार है वो है दीवाने खास। तो ये है गाइस रेड फोर्ट का म्यूजियम जो बाद में बनाया गया है, और आगे है दीवाने खास। तो पहले इस साइड चलते हैं, इस साइड का सब कुछ कवर कर लेंगे फिर चलेंगे। थैंक यू। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो उस दीवार के बाद ये कंस्ट्रक्शन, ये जब अंग्रेज शासन करने आए थे हमारे ऊपर तब उन्होंने बनवाया था। जो ये खंडहर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये सारे खंडहर उसी टाइम के। इसको डिमोलिश भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि बस रहने दो। और ये था ऊपर जाने का रास्ता, वहाँ पे जो सैनिक लोग रहते थे ऊपर से देखते थे। तो गाइस घूमते घूमते हम लोग थक गए हैं। और पीछे अभी अब हम चलेंगे दीवाने खास। दीवाने खास में अपने मंत्री जन से अभी थोड़ा बैठक किया जाएगा। हम लोग भी सोचते हैं राजा वजा का टाइम रहता तो हम लोग भी तो किंग ही होते। अरे सो गाइस कब्जा हो गया है, देख रहे हैं जय श्री राम रेड फोर्ट पे भी। तो अभी हम चल रहे हैं दीवाने आम, जो कि यहाँ से स्ट्रेट है इधर से जाके। म्यूजिक तो ये जो है एगो लिख दिया टैग नौबत। हाँ, ये है नौबत खाना। जब विशिष्ट अधिकारी लोग आते थे तो वहाँ पे गाने चलते थे ढोल नगाड़ों के साथ, और वो रहा राजा का वो। और ये है दीवाने खास। तो आगे अभी वहाँ पे है संगमरमर का, वाइट संगमरमर से बना हुआ तख्त ताबूत। तो जहाँ पे माना जाता है कि उसी में कुछ समय के लिए कोहिनूर भी था। तो चलिए अभी हम उसको नज़दीकी से दर्शन करेंगे। वैसे तो गाइस यही था, यहाँ से पूरा जो है, माफ़ कीजिएगा ये वाइट वाले के इधर दीवाने खास नहीं, दीवाने खास इधर है। तो यहाँ से पूरा जहाँ तक स्टार्टिंग दीवाने आम है। और अभी चलते देखते हैं तख्त ताबूत, यहाँ पे अपने रियासत को दर्शन देते थे। हाँ, यही महाराज बैठते थे इसी पे। अभी तो शीशा भी इतना गंदा है कि बहुत मुश्किल से दिख रहा होगा। तो ये देखिए पीछे से दरवाजा था, वो दरवाजा खुलता था और राजा जो है आते थे दीवाने आम में, यहाँ पे बैठते थे और संबोधित करते थे यहाँ से वहाँ। चलिए देखते हैं अंदर क्या है इसके, कुछ दिखता है या नहीं। तो कुछ नहीं है, बस रूम्स वगैरह हैं नीचे बहुत गड्ढे तक। तो इसके पीछे है यमुना नदी,
और ये सारा जो है जगह ना पीछे बगल ये है दीवाने खास दिखाई दे छे तो यहाँ पे खास लोग जो रहते थे वो आते थे। पहले पूरा ऊपर आप जा सकते थे लेकिन अभी जो है एंट्री बंद हो गई क्योंकि लोग कर्म कांड कर देते हैं। तो इस वजह से जो है तो देखिए ये है खास महल जो दीवाने खास है। यस ये देखिए पूरा व्हाइट संगमरमर से बनाया गया हाथी और इस जो मैदान में है इसमें शेर का लड़ाई हाथी का लड़ाई जो रिक्रिएशन का मनोरंजन का साधन था राजा का। और ये नक्काशी देखिएगा इस संगमरमर की कलाकृति है ये डिजाइन्स भी नायाब है। हाँ। और सारे ये जो फ्लावर्स हैं ये सब जो है सब अंग्रेज इसमें से सारा स्टोन ले गए। ये देखिए ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब में कुछ ना कुछ कीमती जेवरात लगे हुए थे। ऊपर जो छत है छत में भी पूरे लगे हुए थे सारे निकाल लिए अंग्रेजों ने। तो सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है इंडिया को। तो ये है गाइस ये जो पुराना आप देख रहे हो खंडहर ये है शाह बुर्ज मतलब वाटर स्टोरेज होता था नहर है तो यहीं से पानी सप्लाई होता था। हाँ गाइस चाय का प्यारा आप देख रहे हैं ये है बादशाह के लिए चाय हाउस।